हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंगोली किचन में। आज मैं बनाऊंगी सरप्राइज़ ट्रायंगल, जिसे आप दही के शोले भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट है, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसे बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ सामान लिया है, वो है हंकर्ड हाफ कटोरी, और ये ले लिया है स्वीट कॉर्न और गाजर बॉईल करके, मैदा है, और 3 स्लाइस ब्रेड का, काली मिर्च और पानी है। तो बस इतने से सामान से आज बनाते हैं दही के शोले या सरप्राइज ट्रायंगल, जो कह लीजिए। तो सबसे पहले ये दही डाल देते हैं कॉर्न में, और साथ में काली मिर्च, आप चाहें तो चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं, और सब्जियों में और भी ले सकते हैं आप, जैसे शिमला मिर्च, तो ग्रीन येलो जो भी है, रेड आप मिक्स करके ले सकते हैं शिमला मिर्च को। मैंने सिर्फ गाजर और कॉर्न लिया है, तो ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब ये मैदा ले लेते हैं और घोल बना लेते हैं अच्छा सा। तो थोड़ा सा पानी डाला है और मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है इसका, जो अच्छे से चिपकाएगा इसको, ब्रेड को। तो कुछ इस तरह से मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब चलिए आती है ब्रेड की बारी। तो ये ब्रेड पहले ब्राउन पार्ट काट के हटा देते हैं। ब्रेड हमेशा ताज़ा ही लीजिए, पुराना ब्रेड थोड़ा सा दिक्कत करता है बनाने में। तो ये काट लिया है, और ये ब्राउन पार्ट को ब्रेड क्रम बना लेंगे इसका। तो ये ब्रेड हमारा तैयार है। अब इसमें लगाएंगे ब्रश की मदद से पानी, बहुत अच्छे से पानी को लगा देना है, और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से। बहुत ही झटपट से बन जाता है 10 मिनट के अंदर। पानी को थोड़ा अच्छे से लगाना है। तो ये बेल लिया है, अब जो है लगा देते हैं इसमें ये मैदे का घोल, जो बहुत अच्छे से जोड़ेगा इसको। तो चारों तरफ से लगा देना है इस तरह से। ये लगा दिया है, अब डालेंगे मिक्सचर 1 चम्मच भर के। और कर देंगे इसको फोल्ड इस तरह से, और किनारों को दबा देंगे इस तरह से, ताकि अच्छे से जुड़ जाए आपस में। तो इस तरह से सारे तैयार करेंगे बनाकर। तो दूसरा भी बना लेते हैं। तो पहले पानी,
उसके बाद बेल लेंगे इसे। अब लगाएंगे घोल मैदे का। अब डाल देंगे मिक्सचर। और कर देंगे फोल्ड इसे और चिपका देंगे किनारों को। तो बस रेडी है। काफ़ी आसानी से बनने वाला ये रेसिपी, ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है सारा। तो इस तरह से बनाकर आप रख सकते हैं और जब मूड हो खाने को आप फ्राई करिए और खाइए। तो पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, तेल डाल रखा है पहले से, गरम हो चुका है। तो अब आइए डाल देते हैं इसमें। और फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा इस तरह से हिला के ऊपर ऊपर तेल आ जाएगा। आँच को मैंने तेज ही रखा हुआ है। अब पलट देते हैं इसे। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है इसमें। इसी तरह से दोनों साइड सेक लेंगे। तो ये इधर भी अच्छा कलर आ चुका है, थोड़ा सा और सेकेंगे। तो ये हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया कलर आ गया है, काफ़ी क्रिस्पी है। तो इसी तरह से दूसरा भी निकाल लिया हमने। अब बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाता है, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है ये। और अच्छी बात यह है कि आप पहले से तैयार करके फ्रिज में रखें और जब भी मूड हो खाने का आप फटाफट फ्राई करें और खाएं। तो सारा फ्राई हो चुका है, चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो मैं टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही पुदीने वाली, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है उसके साथ। तो इस तरह से आप भी बनाइए और वीकेंड एंजॉय करिए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ फिर मिलूँगी अगली वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।